असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विद्या शाखा, पी आर टी यू से आपके समक्ष बी एड एस पेपर के जिसकी टाइटल है करिकुलम एडाप्टेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एक्सपेंडेड करिकुलम वी इसके ब्लॉक वन के यूनिट वन को लेके मैं उपस्थित हूँ जिसका टाइटल है करिकुलम नीड एंड टाइप्स करिकुलम नीड एंड टाइप्स के अंतर्गत आज हम टाइप्स को नहीं पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम पहले जानेंगे कि करिकुलम क्या है इसकी आवश्यकताएं है, क्या हैं इसकी परिभाषाएं है, क्या है और इसकी आवश्यकताएं क्या है क्या क्या है और हमें क्या ज़रूरत है इस शिक्षा व्यवस्था में करिकुलम की अब हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा के ही वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है यानी कि शिक्षा लगातार जीवन पर्यंत जब से बच्चा एक पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है अब इस शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा के उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते आज की शिक्षा व्यवस्था में तीन चीज़ें मूल रूप से शामिल है वो तीन चीज़ें क्या हैं हम देख सकते हैं पहला शिक्षार्थी दूसरा शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम यानि कि इन तीनों को मिला के ही आज की शिक्षा व्यवस्था बनती है अब इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक के बारे में आप सभी को पता है लेकिन ये पाठ्यक्रम क्या है आज हम इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं पाठ्यक्रम ही मूल है आज के हमारे शिक्षा व्यवस्था का इस समय के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा रोल है पहले के समय में पाठ्यक्रम लिखित नहीं होते थे कुछ भी गुरुजी लोग अपने मन से डिसाइड करके जो उचित समझ में आ आता था उसको पढ़ाते या सिखाते थे लेकिन शिक्षा के बृहद रूप को देखते हुए अब अति आवश्यक हो गया है कि हम शिक्षा के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक लिखित करिकुलम या एक अच्छा करिकुलम डेवलप करके आगे बढ़ें इसी क्रम में पहले हम जान लेते हैं कि करिकुलम है क्या या इसकी थोड़ा से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो करिकुलम में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ लिखित ही हो करिकुलम कक्षा कक्ष कछ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं और उसके बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी उसमें शामिल है ये नहीं कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है समझाया जा रहा है उतना ही है अब हम देख लें कि करिकुलम शब्द बना कहाँ से करिकुलम शब्द एक लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है सी यू डबल आर ई आर ई से जिसका अर्थ है अरेस कोर्स रेस कोर्स को हिंदी में बोलते हैं दौड़ का मैदान मतलब कि जो जब भी हम कहीं किसी गंतव्य पे जाते हैं तो बीच में रास्ते पड़ते हैं उन रास्तों को पार करके ही आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं उन रास्तों को अगर आप पार नहीं कर रहे हैं तो आप जहां थे वहीं रह जाएंगे अर्थात रास्तों को पार करने के बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ऐसे ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम करिकुलम के रास्ते से होते हुए शिक्षा के उद्देश्यों तक पहुंच पाते हैं मतलब अगर हम जीरो लेवल पे हैं, हंड्रेड लेवल तक जाना है तो हमें बीच के ढेर सारे रास्ते पार करने होंगे और वही रास्ते इस शिक्षा व्यवस्था में करिकुलम के नाम से जाने जाते हैं इनकी परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं जिसमें से कनिंगम की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है तो यहां पे हम कनिंगम की परिभाषा देखेंगे कनिंगम ने कहा है कि करिकुलम इज ए टूल करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट अब यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है हम यहां सिर्फ कलाकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट का मतलब है टीचर करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल to mold his material material yahan pe kon hai student या हम कह सकते हैं learner according to

स्टूडियो स्टूडियो से कनिंगम का मतलब था स्कूल कनिंगम ने कहा हम टोटली बोले तो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज़ हर स्कूल दैट मीन्स कि करिकुलम एक ऐसा उपागम है जिसके थ्रू जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षार्थियों को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है जिनके लिए ये शिक्षा व्यवस्था बनी हुई है तो कलिंगम के परिभाषा में आ है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि करिकुलम की आवश्यकता क्या है करिकुलम की आवश्यकता जैसा कि आप परिभाषाओं में भी देख रहे हैं कि हम पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहते मतलब कि अगर हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं तो हमको करिकुलम की आवश्यकता पड़ती है बिना करिकुलम के शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होते हैं और देखें तो टीचिंग मेथड्स शिक्षण की विधियों को तैयार करने में करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसे ही सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने में शिक्षा के मूल्यों को प्राप्त करने में करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है और तो और करिकुलम अगर हमारा तैयार है बना हुआ है तो इससे हमारी एनर्जी और टाइम दोनों बचता है मतलब समय और ऊर्जा की बचत के लिए भी करिकुलम होना अत्यंत आवश्यक है करिकुलम की आवश्यकताओं में आगे हम बढ़ें तो हम कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करने में भी करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा कैसे बनाए कैसे उसके विकास में हम अपना योगदान करें ये करिकुलम ही डिसाइड करता है करिकुलम एक बहुत बृहद रूप है इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस एवेलन प्रोसेस सब कुछ इंक्लूड करते हैं ये नहीं है कि केवल एक बुक है उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सिर्फ इतना ही करिकुलम नहीं बताता है हम उसको इवेलुएट करें कैसे करेंगे क्या जो भी पढ़ाया है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होगा हम अपने सिलेबस को रिफॉर्म कब कब करेंगे ये सब करिकुलम के थ्रू ही डिसाइड होता है करिकुलम जब बनता है तो उसमें ये भी डिसाइड कर दिया जाता है कि अगली बार ये कब रिफॉर्म किया जाएगा मतलब फिर उसी में अगर हम देखें तो टीचर पीपल इंटरेक्शन कैसा होगा टीचर से एडमिनिस्ट्रेशन का लगाव कैसा होगा ये सब करिकुलम के अंतर्गत ही आता है हम अपनी बिल्डिंग्स कैसे रखेंगे वेरियर फ्री इन्वायरमेंट अगर हम चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड की बात करें तो वेरियर फ्री इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करेंगे कैसे हम उसको सभी के लिए बाधा रहित बनाएंगे ये भी करिकुलम का एक पार्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम के थ्रू हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं इसके अगली कड़ी में देखें तो सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज करिकुलम की आवश्यकता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये किसी भी नॉलेज या ज्ञान का एक स्रोत है सभी ज्ञान जो आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी करिकुलम के रूप में मिलते हैं एजुकेशन सिस्टम में जो भी आपको नॉलेज मिलता है जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं सोशियोलॉजी पढ़ते हैं साइकोलॉजी पढ़ते हैं जो भी विषय पढ़ते हैं उससे आपको ज्ञान मिलता है जो ज्ञान मिलता है वो पहले से जो निर्धारित करिकुलम है उसके आधार पे आपको मिलता है बिना आधार का नहीं मिलता है जब भी आप स्कूलिंग सिस्टम या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो वो करिकुलम निर्धारित रहता है कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ा जाएगा तो जितने भी ज्ञान उस समय आपको प्राप्त होते हैं स्कूल सिस्टम से लेकर यूनिवर्सिटी सिस्टम तक सब कुछ करिकुलम के ऊपर ही निर्धारित रहता है बिना करिकुलम के निर्धारण के ये सब संभव नहीं हो पाएगा आपका जो ज्ञान होगा वो काफ़ी संकीर्ण हो जाएगा बहुत छोटा रह जाएगा ये तो सीधा सीधा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल जो है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है मतलब जो भी स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ेंगे बुक्स तो आप देखते हैं कि बहुत मोटी मोटी होती बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इतनी मोटी बुक हम कैसे पढ़ेंगे लेकिन करिकुलम पहले से ही निर्धारित करता है या यूँ कहें कि करिकुलम का एक छोटा पार्ट है सिलेबस पाठ्यचर्या करिकुलम से छोटा है वो निर्धारित करता है कि आप किस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे अब बुक तो इतनी मोटी हो गई उस बुक में भी आपको क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है उसको निर्धारित करता है आपका करिकुलम उसमें आप क्या छोड़ेंगे और क्या पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूलिंग सिस्टम में जो किताबें होती हैं पतली पतली होती है उसमें सब कुछ पढ़ना रहता है फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं इंटरमीडिएट में आते हैं तो कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हैं और यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तब तब तो लगभग बुक बहुत मोटी हो जाती है लेकिन उसका पढ़ते सिर्फ थोड़ा सा भाग है क्यों क्योंकि करिकुलम हमारा निर्धारित है कि हमें इस बुक का इतना सा भाग इस सेमेस्टर में पढ़ना है इतना सा भाग अगले सेमेस्टर में पढ़ना है या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस एक छोटा सा भाग ही पढ़ना होता है बाकी हमारे काम का नहीं होता या हम उसको नहीं पढ़ते हैं हो सकता है वो किसी और देश में किसी और यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और रीजनल लेवल पे ज़रूरत हो उसकी इसलिए ऑथर ने पूरी बुक लिखी लेकिन हमें आवश्यक क्या है क्या नहीं है ये करिकुलम में हमारे पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि हम उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे या फिर उसमें से कुछ पार्ट ही पढ़ेंगे दैट मीन्स कि हमें करिकुलम ही डिसाइड करके बताता है कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए स्टडी मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ऐसा भी ना हो कि वो फ्री होके घूमता रहे हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है करिकुलम में हमारे कुछ है ही नहीं तो स्टडी मटेरियल के डिटर्मिनेशन में करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसे ही हम अगली कड़ी में देखें तो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड जो एजुकेशनल सिस्टम का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मतलब अब आप देखते हैं कि आज से 10 साल पहले कुछ और स्टैंडर्ड था 20 साल पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम का कुछ और स्टैंडर्ड था या यूँ कहें कि सामाजिक परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ समाज की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं समाज की राष्ट्र की आपके परिवार की आपके गांव की सभी की समय अनुसार बदलती रहती है ऐसा नहीं है कि वो स्थिर है समय के अनुसार बदलता रहता है यानी कि आपका स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो बदल रहा है और जब लाइफ का स्टैंडर्ड बदल रहा है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी स्टैंडर्ड बदलना चाहिए अब अगर बदलना चाहिए तो इसका निर्धारण कौन करता है इसके निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे करिकुलम की करिकुलम जो है इस स्टैंडर्ड को मेंटेन किए रहता है मतलब समय के साथ साथ वो खुद परिवर्तित होकर अनुसार बदल कर वो एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड को समय के साथ साथ बदलता रहता है जैसे आपने देखा होगा कि 2005 में एनसीएफ आया था एनसीएफ 2005 के नाम से काफ़ी फेमस है ऐसे ही अब जब एनईपी 2020 आ गया है तब से एक बार फिर से बात चल रही है कि हमारे राष्ट्र का एक नया करिकुलम फिर से डेवलप किया जाए क्यों क्योंकि जब 2005 था तब हमारे राष्ट्र का स्टैंडर्ड कुछ और था और अब बदल कर कुछ और हो गया है तो जब बदल गया है करीब करीब पंद्रह साल होने को है तो फिर से हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम एक नया करिकुलम डेवलप करें ताकि हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे या फिर और अप हो जाए तो इस हिसाब से हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करने में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है नेक्स्ट दिस इज़ हेल्पफुल इन इवेलुएशन प्रोसेस मतलब करिकुलम जो है वो इवेल्युएशन प्रोसेस में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जैसे पहले बस ईयरली एग्ज़ाम हुआ करते थे अब सी सी पैटर्न है रेगुलर एग्ज़ाम्स कुछ न कुछ होते रहते हैं फिर बीच में सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम भी होता है ईयरली लास्ट में भी एग्ज़ाम होता है साथ ही साथ बीच में आपके यूनिट टेस्ट भी होते रहते हैं या यूँ कहें असाइनमेंट्स आपको मिलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स वर्क मिलते रहते हैं ये कहाँ से निर्धारित होता है इन सब के निर्धारण में करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर कोई कोर्स है तो उसमें कब हम एग्ज़ाम लेंगे कब असाइनमेंट देंगे कब बच्चों को फीडबैक देंगे कब बच्चों से फीडबैक लेंगे कब अब हम हर छः महीने पे एग्ज़ाम लेंगे या साल भर में एग्ज़ाम लेंगे या हर मंथ चलता रहेगा या फिर डे बाय डे भी लेंगे इन सब के निर्धारण में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ऐसा नहीं है कि ईवेल्यूशन प्रोसेस हम डिसाइड करके नहीं चलते हैं कभी कभी टीचर खुद से डिसाइड करता है या फिर प्री डिसाइडेड भी होता है प्री डिसाइडेड हो होने का मतलब ये है कि जैसे आपका क्षमा एग्ज़ाम है आपको पता है कि ये होना ही होना है अब ईयर के एंड में भी एग्ज़ाम होगा ये प्री डिसाइडेड होते हैं ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे मंथली एग्ज़ाम प्री डिसाइडेड होते हैं कि मंथ के लास्ट में एक यूनिट टेस्ट टाइप का रखा जाएगा इन सबका निर्धारण जो है वो करिकुलम ही करता है क्यों क्योंकि उसको उसकी के थ्रू पता है कि हमारा स्टडी मटेरियल क्या है हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है उसको भी में, इन सबको मेंटेन करने के लिए इवेल्यूशन ज़रूरी है अब इस एवेल्यूशन अगर ज़रूरी है तो फिर हम करिकुलम में पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि कब कब इवेल्यूएसन होगा और कब नहीं होगा डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि बच्चा जो पढ़ेगा जो उसको पढ़ाया जाएगा जो सिखाया जाएगा उसी के हिसाब से ही वो अपने समाज में अपने राष्ट्र में अपने घर परिवार में अपने गांव में अपने शहर में योगदान देता है अब अगर अच्छी चीज़ें सीखा है जैसे कि स्टडी मटेरियल में अगर उसने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी है वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनी है शहीदों की कहानियाँ सुनी है, तो उसके अंदर राष्ट्रभाव जागृत होगा लेकिन इसके उलट अगर वो बस चोरी वाली कहानियाँ सुना है डकैतों की कहानियाँ सुना है तो हो सकता है उससे वो गलत प्रभावित हो जाए तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को या यूँ कहें मॉरल वैल्यूज़ को भी डेवलपमेंट करने में करिकुलम की बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत बड़ी भूमिका होती है दिस इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर करने में भी करिकुलम का बहुत बड़ा योगदान होता है टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीज़ें रहेंगी क्या क्या चीज़ें नहीं रहेंगी इन सब के निर्धारण में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जैसे कि हम टेक्स्ट बुक डेवलप करते हैं मैथ्स का हिस्ट्री का साइकोलॉजी का या साइंस का सोशियोलॉजी का एन्वामेंटल साइंस का जिस स्टैंडर्ड का चाहिए उस स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है और इसको डेवलप करने में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इन सब में कौन से टॉपिक लिए जाए, कौन से टॉपिक छोड़े जाए, इन टॉपिक्स में कब कब इवेल्युशन होगा और इन टॉपिक्स का इवेल्यूशन फाइनल कैसा होगा क्या पूरा टेक्स्ट बुक ख़त्म होने के बाद होगा या फिर टाइम के हिसाब से होगा इन सब के निर्धारण में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मतलब कि टेक्स्ट बुक का कंटेंट से ले कर प्रोसेस तक क्या क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा इन सब के निर्धारण में करिकुलम की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है ऐसे ही देखें तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए इसके सिलेक्शन में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जैसे हम अगर देखें तो अब अगर चक्रविधि ब्याज पढ़ाना है तो कौन सा मेथड सही होगा क्या लेक्चर मेथड सही होगा यानी कि व्याख्यान विधि सही होगी उस पर या खोज विधि सही होगी या प्रोजेक्ट मेथड सही होगा या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आगमन निगमन विधि इन सब में कौन सा किस कंटेंट के लिए सही होगा कौन सा नहीं सही होगा इन सब के निर्धारण में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जैसे हम देखें चक्रविधि ब्याज है या साधारण ब्याज है तो इसको सीखने के लिए ज़्यादातर टीचर्स इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं जैसे एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन हंड्रेड फार्मूलेट करने से पहले एक एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू चलते हैं फिर वो फार्मूला आ जाता है और तब उस फार्मूले का यूज़ करके फिर हम सारे क्वेश्चंस आसानी से लगा लेते हैं तो इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड इस कंटेंट के लिए बहुत बेस्ट होता है अब इसके निर्धारण कौन करता है करिकुलम ही करता है करिकुलम पहले ही निर्धारित कर देता है कि हम साधारण ब्याज अगर इंडक्टिव डिटेक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा इससे शिक्षार्थियों को समझने में कठिनाई नहीं होगी ऐसे ही अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसके निर्धारण में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आगे बात करें तो क्राइटेरिया फॉर टीचर्स टीचर्स के लिए क्राइटेरिया डिसाइड करने में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि जैसे कोई कंटेंट है अब हम इसको कितने मिनट में ख़त्म करें हमारे बच्चों का लेवल कैसा है कैसा नहीं है उसके हिसाब से चलना है हमें तो हम करिकुलम या सिलेबस का कितना भाग पढ़ाएं एक बार में या उससे ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं अगर बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको कैसे हम हैंडल करें इन सब के निर्धारण में भी करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है मतलब टीचर्स का जो क्राइटेरिया उसके निर्धारण में भी करिकुलम अपनी भूमिका निभाता है अगले में बात करें डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूअस एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूअस एक्सपीरियंसेस लगातार अनुभव के विकास में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जैसे हम देखें अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का तो क्या हम साधारण ब्याज बाद में पढ़ें और चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़ लें ऐसा होगा ऐसा नहीं हो सकता पहले हमें साधारण ब्याज सीखना होगा फिर हम आगे चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे कहीं भी किसी भी करिकुलम में आपने ये नहीं देखा होगा कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज सीख लो फिर साधारण ब्याज सीख लेना ऐसा नहीं होता है और इसके निर्धारण की भूमिका कौन निभाता है करिकुलम अब ये तो हो गया कि हम एक ही साल की बात कर रहे थे एक ही मैथ्स में एक ही साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सिखा दिया जाता है लेकिन कॉन्टीन्यूसली देखते हैं आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं जैसे छोटे बच्चे को पहले हम नंबर सिखाते हैं फिर एडिशन सिखाते हैं फिर सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं उसके बाद गुड़ा करना है भाग देना है फिर इनको मिक्स करके सिखाते हैं कि एक साथ जोड़ना घटाना गुड़ा करना भाग करना मतलब कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंस बढ़ता रहे आपका आपका आप जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ाने में करिकुलम मदद करता है अगर आपको बचपन में ही हम रोक देते जोड़ घटाना भाग सिखा दिया बस अब आगे कुछ नहीं सिखाएंगे तो क्या आप एल सी या और भी चीज़ें जो मैथ्स की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे फिर हमारे साइंस की हो, कहीं की भी हो क्या उसको हम सीख सकते थे कभी भी नहीं सीख सकते तो कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंस डेवलप करने में भी करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है आगे देखें तो टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स करिकुलम किसी एक सब्जेक्ट्स पे नहीं टिकता है करिकुलम अलग अलग विषयों की बात करता है एक समय पे अलग अलग विषयों की भी बात करता है जैसे आप अगर देखें हाई स्कूल में ही हाई स्कूल में आप मैथ्स भी पढ़ते हैं साइंस भी पढ़ते हैं हिस्ट्री भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं हिंदी भी पढ़ते हैं कंप्यूटर भी अब बच्चे सीखने लगे हैं पहले ऐसा नहीं था समय के हिसाब से सब्जेक्ट्स भी चूज़ करना या चेंज करना करिकुलम का ही काम है और अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके भी करिकुलम डेवलप किया जाता है ताकि सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो सके अब अगर हम देखें एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी अनिपी 2020 भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहा है मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो मैथ्स के साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री ही पढ़ेगा हो सकता है उसको फिज़िक्स केमिस्ट्री में रुचि ना हो तो वो इतिहास भी पढ़ सकता है साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है तो इन सबके निर्धारण में किसकी भूमिका होती है करिकुलम की करिकुलम इन सबको निर्धारित करता है कि बच्चा क्या पढ़े और क्या छोड़े पहले के करिकुलम में देखें तो पहले यही था कि अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाता था अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बदल रहा है हम बात कर रहे हैं मल्ट अप्रोच की तो मैथ के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं आगे चल के आप रिसर्च भी हो सकता है तो आप हिस्ट्री में कर ले साइकोलॉजी में कर ले आपका जैसा इंटरेस्ट हो मतलब शिक्षार्थी का जैसा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से करिकुलम अब आगे बढ़ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज दे रहा है ऐसे ही करिकुलम जो है लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करता है लोकल रिसोर्सेज में जैसे हम कहें जो भी आपके घर पे है हम उससे भी सीख सकते हैं और उससे को सीखने में उसका यूज़ करने में हमें करिकुलम मदद करता है करिकुलम बताता है कि हम उससे कैसे सीखें या टीचर को बताता है कि आप उन चीज़ों का यूज़ कैसे करेंगे ताकि आपका शिक्षार्थी सीख सके जैसे काउंटिंग सिखाना है तो आजकल काउंटिंग से केवल लाइन में खड़े करके बच्चों को वन टू थ्री बुलवा दिया ऐसा नहीं है बच्चों को बताया जाता है जाओ देखो वो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों को काउंट करोगे कितनी है सीढ़ियाँ काउंट करने जाएगा बच्चा अगर तो वो ज़रूर दिमाग लगाया कि पहली सीढ़ी है फिर दूसरी है फिर तीसरी है वन टू थ्री वो काउंटिंग सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते ही सीख लेगा या माचिस की तीलियों से सीख लेगा मतलब लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ कैसे करना है उसके निर्धारण में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अब हम देखें करिकुलम एंड स्कूल इन्वामेंट करिकुलम और स्कूल इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा संबंध है मतलब पाठ्यक्रम और स्कूल का वातावरण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है दोनों अलग अलग चीज़ें कुछ हद तक तो हैं लेकिन पूरी तरह अलग नहीं है करिकुलम को डिलीवर करने में स्कूल का इन्वामेंट बहुत मदद करता है ऐसे ही हम कहें कि स्कूल का इन्वामेंट अच्छा रखने में स्कूल का वातावरण अच्छा रखने में भी करिकुलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है जैसे हमने डिस्कस किया ही था कि इवेलुएसन प्रोसेस कैसा हो एडमिशन प्रोसेस कैसा हो और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले इसके निर्धारण में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका में निभाता है अब अगर ये सारी चीज़ें अच्छे रूप से चलेंगी तो स्कूल का वातावरण भी बहुत ही सुगम होगा इसके उलट हम देखें तो अगर स्कूल का इन्वामेंट वातावरण बहुत अच्छा है तो करिकुलम डिलीवर होने में भी बहुत सुगम वातावरण बना रहेगा जिससे बच्चे और अच्छे से सीखेंगे अगर वातावरण जैसे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं मारपीट करते रहते हैं या फिर बच्चे बाहर टहल रहे हैं दूसरे क्लास में शोर हो रहा है तो अगर किसी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो करिकुलम को डिलीवर करने में बहुत दिक्कत होती है उस समय जो शिक्षार्थी सीख रहे होते हैं उनके लर्निंग में भी सीखने में भी बहुत समस्या आती है इसलिए करिकुलम को डिलीवर करने के लिए स्कूल का वातावरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और अलग सेंस में बोले तो स्कूल के वातावरण को भी अच्छा बनाने में करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमने पहले डिस्कस किया कि नैतिक मूल्यों को सीखने सिखाने में भी करिकुलम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अब अगर हमारे बच्चों में नैतिक मूल्य अच्छे हैं तो वो खुद ही शांत प्रिय रहते हैं वो जानते हैं कि हमें कब खेलना है कब कूदना है और कब पढ़ाई करनी है अगले में देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन करिकुलम या यूँ कहें कि करिकुलर एक्टिविटीज़ हम हमेशा ये नहीं करेंगे कि बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको सुबह से शाम तक या दस से चार जो भी स्कूल की टाइमिंग है हम बस उनको क्लास में बिठाए हुए हैं टीचर जा रहा है लेक्चर दे रहा है और चला रहा है गणित पढ़ा दिया विज्ञान पढ़ा दिया इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ाते जा रहे हैं तो इससे होगा क्या कि बच्चे के भी मन में फ्रस्टेशन आता जाएगा वो उबाऊ होता जाएगा तो जो उसका रुचि है या एटीट्यूड है उस सब्जेक्ट्स के तरफ या उस स्कूल के तरफ या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम के तरफ गलत हो जाएगा इसलिए बीच बीच में अलग अलग एक्टिविटीज़ भी डाली जाती है ताकि बच्चे अपनी और क्षमताओं को जो विशेष क्षमताएं हैं उनके अलावा जैसे खेलकूद है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है गाना है डांस है योग है इन सब के माध्यम से हम बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और इन सब का निर्धारण भी करिकुलम के माध्यम से ही किया जाता है करिकुलर एक्टिविटीज़ नाम तो है जैसे लग रहा है कि करिकुलम से अलग है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये करिकुलम का ही एक पार्ट है कि बच्चे को उसके अंदर जो अतिरिक्त क्षमताएं हैं आपके विषय क्षमताओं के अलावा उसको भी दिया जाए समय समय पे हम अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए या जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त और अगर स्कूल का एनुअल फंक्शन है सब कुछ हम मनाते हैं ये भी एक करिकुलम का पार्ट है पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि करिकुलम केवल क्लास तक सीमित नहीं रहता है क्लास के बाहर क्लास के अंदर यहाँ तक कि घर के अंदर घर के बाहर हर प्लेस पे लर्निंग होती है और हर जगह करिकुलम की भूमिका बनी रहती है इसी प्रकार हम कहें तो करिकुलम एज ए सोर्स देखें हम तो करिकुलम जब हम कोई भी शिक्षार्थी या हमें आप में से कोई भी घर से निकलता है स्कूल के तरफ बढ़ता है तो माता पिता यही सोचते हैं कि ये आगे चल के कुछ अच्छा करेगा इस अच्छा को निर्धारित तो एजुकेशन सिस्टम पहले ही कर देता है लेकिन उस को अचीव करने में करिकुलम ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चा जैसा पढ़ाई करता है जिस करिकुलम को पढ़ता है जिस करिकुलम के थ्रू आगे बढ़ता है उसी के हिसाब से उसका जो आगे का करियर होता है वो निर्धारित होता जाता है कि जैसे अगर उसको अच्छे से मैथ्स पढ़ाया गया तो आगे हो सक मैथमेटिशियन बन जाता है बायोलॉजी पढ़ाया गया तो वो डॉक्टर बन जाता है फिर अलग सर्जन उसमें भी स्पेशलाइजेशन होते जाते हैं या ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने लगता है पत्रकारिता पढ़ा तो पत्रकारिता के फील्ड में चला गया या फिर इन सबको मिक्स करके पढ़ा हो सकता है कुछ और नया वो कर सके तो इन सबको निर्धारित कौन करता है करिकुलम करिकुलम एक ऐसा सोर्स है जो आपके पूरे लाइफ को पूरे जीवन को प्रभावित करता है पूरा का पूरा जीवन जो करिकुलम आपको मिलता है उसी से निर्धारित हो जाता है कि आप आगे चल के राष्ट्र निर्माण में अपने खुद के निर्माण में अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपने घर के निर्माण में अपने समाज के निर्माण में कैसी भूमिका निभाने वाले हैं इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ धन्यवाद